हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एसआरएम का इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कॉलेज है चेन्नई का। तो उसका जो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसमें फिर हम उसकी जनरल इंफॉर्मेशन देखेंगे, अफिलिएशन वगैरह, उसके बाद यूनिवर्सिटी अफिलिएशन तो देखने वाले, उसके बाद हॉस्टल इंफॉर्मेशन जो है वो भी देखने वाले, हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं, उसके बाद इनटेक कितना है उसका, वहाँ पे कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है, कोर्सेज में कितने सीट्स अवेलेबल है, प्लस उन कोर्सेज की फीस कितनी वहाँ पे वो भी देखने वाले, उसके बाद प्लेसमेंट का रेट कितना है यहाँ पे, कट ऑफ्स कैसे, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना। और चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो देखिए ये जो कॉलेज है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1985 में, तो काफ़ी पुराना कॉलेज है, अच्छा खासा यहाँ पे इनको एक्सपीरियंस है अभी एजुकेशन में, काफ़ी पुराना कॉलेज है। और उसके बाद टाइप देखेंगे तो एक डीमेड यूनिवर्सिटी है इनका जो एसआरएम यूनिवर्सिटी, तो एक डीमेड यूनिवर्सिटी है। उसके बाद लोकेशन देखेंगे तो कट्टामकुत्ता, ये प्रोनाउंस मुझे नहीं पता कि कैसे होता है, बट ये यहाँ पे चेन्नई में यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद देखिए कैंपस साइज है, तो इसका जो है 70+ एकड़ का जो है यहाँ पे कैंपस साइज आपको देखने को मिलता है। और जब मैंने यहाँ पे रिसर्च की थी इस कॉलेज के बारे में, तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह था वो काफ़ी अच्छा था, जो बिल्डिंग्स वगैरह हो गए, लैब्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते। तो जो कैंपस इनका अच्छा खासा कैंपस लाइफ भी आपको यहाँ पे अच्छी देखने को मिल जाती है। उसके बाद नैक अक्रेडिटेशन देखोगे तो A+ इनका जो है इन्हें मिला हुआ, तो A+ जो है काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो A+ ग्रेड जो इनके मिल चुका है नैक की तरफ से, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। उसके बाद हॉस्टल की बात करें तो देखिए जो हॉस्टल है यहाँ पे सेपरेट अवेलेबल है गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, तो वहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर आपको ऑफ कैंपस जाना, मतलब दूसरे ऑप्शंस देखने, तो वो भी आपको जो है यहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे भी जो कोई दिक्कत आपको नहीं दिखेगी। उसके बाद देखिए फैसिलिटीज जो होती है यहाँ पे, तो वो मिल जाएगी आपको, वाईफाई, लाउंड्री, मेस, उसके बाद सिक्योरिटी जो है गर्ल्स के लिए सिक्योरिटी बहुत मायने रखती है, तो सिक्योरिटी भी इनकी काफ़ी अच्छी हॉस्टल में, तो वो भी कोई दिक्कत आपको वहाँ पे नहीं आएगी। उसके बाद फीस के दोखे देखिए, ये तो डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा हॉस्टल का टाइप लेने वाले, कौन सा जो रूम लेने वाले, बट इसकी जो एग्जैक्ट फी है वो आपको वहाँ पे कॉलेज में जाके विजिट करके ही पता चलेगी, क्योंकि जो है ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होती हॉस्टल की डिटेल, तो वो आपको वहाँ पे हॉस्टल में जाके विजिट करना पड़ेगा, तभी आपको जो है एग्जैक्ट फी कितनी है वो वहाँ पे पता चल जाएगी। उसके बाद कोर्सेस कौन कौन से अवेलेबल है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है, जिसमें आपको जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कोर्सेस है, उसके बाद मैनेजमेंट के कोर्सेस है, मेडिसिन एंड हेल्थ साइंस के, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, लॉ, एग्रीकल्चर साइंस एंड होटल मैनेजमेंट, क्योंकि इनकी खुद की यूनिवर्सिटी डीमेड यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, उसमें से जो भी आपको करना है आप वो कर सकते हो। और पॉपुलर प्रोग्राम्स देखोगे तो बीटेक में जहाँ पे कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद इसमें MBBS हो गया, BBA, BSc फिजिक्स केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी, BSc कंप्यूटर साइंस हो गया, BCA हो गया, अगर BA करना है आपको आर्ट्स में तो इकोनॉमिक्स में कर सकते हो, जर्नलिज्म, इंग्लिश लिटरेचर, तो ये काफ़ी पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं इन कॉलेज के, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो भी करना है आप कर सकते हो। उसके बाद इनटेक देखोगे तो देखिए यहाँ पे जो है इनटेक डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा कोर्स करने वाले, इसमें लगभग 60 से 240 तक आपको यहाँ पे सीट्स देखने को मिल जाएगी, जैसे कि इंजीनियरिंग में आपको ज़्यादातर जो है 120 की सीट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, कुछ जो ब्रांचेस है वहाँ पे 240 तक मिल जाएंगे, बट ज़्यादातर जो सीट्स है यहाँ पे इनटेक जो है 120 का आपको देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा जो इनटेक है और बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद बात करें कि कोर्सेज की फी, देखिए फी डिपेंड करती है आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, जैसे इंजीनियरिंग में ज़्यादा फी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, तो जो एवरेज रेंज है इनका तो ये लगभग 80,000 से लेके 2 लाख तक आपको पर ईयर के लिए देना पड़ सकता है, जैसे कि BA के लिए उसके लिए जो आपको यहाँ पे कम फी लगेगी, बट अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो लगभग आपको जो है 150 तक देना पड़ेगा, मतलब 1.5 लाख तक आपको पर ईयर के लिए देना पड़ सकता है कंप्यूटर साइंस जैसे इंजीनियरिंग के लिए, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो। और उसके बाद आपको एडिशनल जो फी लगती है, जैसे कि हॉस्टल की फ़ी हो गए, मेस चार्जेस, एग्जाम फी, ये भी आपको देनी पड़ सकती है, ये तो
कॉलेज की फी आपको अलग से देनी पड़ेगी, बट जो हॉस्टल की वगैरह ये भी आप कंसिडर कर लीजिए, ताकि आपको जो आपको फाइनेंशियल जो भी प्लानिंग होगा तो वो करने में आसानी हो सकती है। तो ये आप एडिशनल कॉस्ट भी यहाँ पे उसे कंसिडर कर लीजिए। उसके बाद स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बट हो सकता है ये डीमेड यूनिवर्सिटी तो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कॉलरशिप मिलती है तो वो आपको ना मिले, बट जो आप यहाँ इनकी खुद की जो स्कॉलरशिप होती है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद देखिए जो प्लेसमेंट है, तो इनका जो प्लेसमेंट है वहाँ पे डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है, वहाँ पे जो आपको पूरा करियर गाइडेंस दिया जाएगा, जो रिज्यूम राइटिंग वर्कशॉप्स होती है वो लेते लेते हैं वहाँ पे, उसके बाद मॉक इंटरव्यूज लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है बताई जाएगी। उसके बाद पूरा गाइडेंस आपको किया जाएगा प्लेसमेंट के लिए, तो वहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और इनका जो एक स्ट्रांग इंडस्ट्री कनेक्शन है वहाँ पे, देखिए इनका जो ओवर 500 कंपनीज के साथ टाइप है, वहाँ पे कोलेबरेशन इन्होंने किया हुआ है, तो वो कंपनी जो है इन कैंपस इंटरव्यू के लिए वहाँ पे आती है और वहाँ से बच्चों को जो है सिलेक्ट करके उनकी कंपनीज में ले जाती है। तो अच्छा खासा इनका कनेक्शन है इंडस्ट्री के साथ, तो वहाँ पे भी जो कोई दिक्कत आपको नहीं आती है। और इनका जो है लगभग 85% जो है प्लेसमेंट रेट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो अच्छा खासा प्लेसमेंट रेट है इनका 85%। और इनके जो बच्चे यहाँ पे टॉप कंपनीज में प्लेस हुए, जैसे कि अमेजन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, TCS, विप्रो, इंफोसिस जैसी कंपनीज में इनके बच्चे जो है प्लेस हो चुके हैं, तो काफी अच्छा आपको यहाँ पे प्लेसमेंट देखने को मिलता है इस कॉलेज का। 85% तक जो है इसका प्लेसमेंट रेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके बाद एवरेज पैकेज देखोगे तो देखिए ये डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा प्रोग्राम जो है कर रहे हैं, बट जो एवरेज पैकेज हम देखें तो ये 8 लाख से लेके 50 लाख तक का आपको पैकेज यहाँ पे आसानी से मिल जाता है। 50 लाख जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले इनको इससे भी ज्यादा यहाँ पे पैकेज मिला हुआ, 15 लाख से ज्यादा पर ईयर के लिए पैकेज मिल चुका है इस कॉलेज में, तो अच्छा खासा प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे आगे चल के आपके फ्यूचर के लिए नहीं आएगी। उसके बाद देखिए कट ऑफ्स देखोगे तो ये डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, तो उसके अनुसार जो है कम ज्यादा हो सकता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो कुछ एंट्रेंस एग्जाम भी रिक्वायर्ड हो सकती है, जैसे कि इंजीनियरिंग के लिए जाओगे तो JEE हो गई, NEET हो गई, तो ये जो है आपको जो है देनी पड़ सकती है। और इनकी खुद की भी यूनिवर्सिटी की जो है कुछ एग्जाम्स है एंट्रेंस, तो वो भी आपको हो सकता है कि देनी पड़ी वहाँ पे, तो आप एक बार वहाँ पे जाके क्रॉस चेक कर लीजिए। उसके बाद देखिए प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स अगर आपको देखने तो वहाँ पे जो है SRM की जो यूनिवर्सिटी उसकी वेबसाइट पे जो है अवेलेबल है, तो उसकी लिंक अगर चाहिए तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं जो आपको बता दूंगा। तो ये रिव्यू था, यहाँ पे पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दे दी है, और इसके रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे हमेशा जो आपको रिप्लाई देते रहता हूँ।